Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, बिहार में चुनाव है और बिहार में चुनाव है तो अब जो रफ्तार है वो पकड़ गई है और जो पहले चरण का मतदान है उसके लिए 26 को यानी कि आज के दिन जो चुनाव प्रचार का पहले चरण का मतदान का है वो अब ठप पड़ जाएगा। कल स्पेस रहेगा, परसों दिन इलेक्शन होने वाले हैं, यानी कि 28 तारीख को पहले चरण यानी कि फर्स्ट फेज का बिहार में चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर सारे नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरे जी जान के साथ अपने जमखम का प्रयोग कर रहे हैं ताकि उनके कैंडिडेट जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर जीत कर बिहार विधानसभा में चुनाव में पहुँचे और सरकार बनाने में एक किसी पार्टी का जरूर मदद करें। लेकिन इस चुनाव में सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो चर्चा है लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर। लोक जनशक्ति पार्टी जो कि रामविलास पासवान जी उसका नेतृत्व कर रहे थे पहले, और उन्होंने जो है 2000 के करीब में इस पार्टी का गठन किया था, और LJP के जो प्रमुख हैं यानी कि जो थे प्रमुख रामविलास पासवान, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते थे और एक दिग्गज नेता के तौर पर दलितों के मसीहा बताए जाते थे, और शायद यही कारण रहा जिसके चलते रामविलास पासवान किसी सुर्खियों के मोहताज नहीं थे। और रामविलास पासवान ही एक ऐसे नेता बने हैं पूरे देश में जिसमें कि लगभग 4 प्रधानमंत्रियों के साथ उनको काम करने का मौका मिला है, और 4 प्रधानमंत्री यानी कि 4 दशक तक, मतलब 4 जैसे अटल बिहारी के साथ 10 तक काम, मतलब 2 दो टर्म में काम किए थे। इसके बाद नरेंद्र मोदी के सरकार में भी वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, इसके बाद भी और सारे जो प्रधानमंत्री रहे हैं उनके नेतृत्व में रामविलास पासवान ने अच्छा नेतृत्व किया है, और वहाँ पर जो है उनके मंत्रिमंडल में उन्होंने अच्छा खासा विशेष जो है ध्यान दिया है और वहाँ पर उस पद की गरिमा को बचाए रखी है। तो रामविलास पासवान बिहार के उभरते हुए नेता, मतलब एक उभरे हुए काफ़ी ज़्यादा नेता थे, बड़े नेता थे, और बिहार की राजनीति में उनकी नाम जो है हर जगह गूंजती थी। हर कोई बच्चा से लेकर जवान बुजुर्ग तक रामविलास पासवान का नाम जानता था, और रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता था। मौसम वैज्ञानिक इसलिए कहा जाता था क्योंकि जिस पार्टी में जाकर पहले सरकार जाकर चुनाव लड़ते थे उस पार्टी की सरकार बन जाती थी, और जब सरकार बनती थी तो ऑब्वियसली उनको तो कुछ तो पद मिल ही जाएगा, जिसके चलते वो, अगर हम बात कर लें कांग्रेस की बात कर लें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, तो इनके मनमोहन सिंह की सरकार में भी और नरेंद्र मोदी की भी सरकार में वो मंत्रालय का पद संभाले रखे, 9 सांसद रहे, 2 राज्यसभा सांसद रहे, 9 जो है डायरेक्ट जो वोटर्स होते हैं लोकसभा के माध्यम से जीत कराए थे, इसके बाद बिहार में 1 MLA भी बने थे जो पहली बार MLA बने थे। तो इतने बड़े नेता होने के बावजूद आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा उनका एक्सपीरियंस रहा होगा, कितना बड़ा उनका जो है कहीं ना कहीं कहा जाए तो इंटेंशन रहा होगा, कितनी बड़ी सोच रही होगी और किस तरीके से राजनीति को लेकर चलते होंगे, जिसके चलते ऐसा कहा जा रहा था कि वो जो किसी पार्टियों में उनका जो कनेक्शन था काफ़ी बेहतर था और सारी पार्टियों के साथ मिलजुल कर चुनाव लड़ा करते थे और बिहार में एक अलग मुकाम बनाए हुए थे, और लोग उनको इसीलिए शायद मौसम वैज्ञानिक कहते थे कि जिधर भी जाते थे उधर हवा बह जाते थे, यानी कि हवाओं को रुख को पहचानने वाले रामविलास पासवान थे, जिसके चलते मनमोहन सिंह की सरकार हो, कांग्रेस पार्टी की सरकार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, वो उसमें मंत्री बन जाते थे। ठीक है, तो ये मामला हो गया रामविलास पासवान को लेकर। लेकिन अब सीधा का सीधा उल्टा नजर आ रहा है, क्योंकि उनके पिता यानी कि जो रामविलास पासवान है वो इस दुनिया को अलविदा कह गए, और दुनिया को अलविदा कह गए उसके बाद जस्ट बिहार में विधानसभा चुनाव भी है, तो विधानसभा चुनाव है तो अपने बेटे को यानी कि चिराग पासवान को कांग्रेस के जो LJP है उसके प्रेसिडेंट बना दिए थे, और अब जो है LJP का नेतृत्व चिराग पासवान ही कर रहे हैं। तो बिहार में चिराग पासवान अब कूद रहे हैं, घूम रहे हैं, अपने वोट अपने मत अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको जिताने के लिए हर दर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी गलती कर रहे हैं चिराग पासवान ये कि वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि JDU यानी कि जो NDA अलायंस है उसके साथ खड़े नहीं हैं, वो अकेले मैदान में उतर गए हैं, और ऐसा रामविलास पासवान भी कर चुके थे 2005 के चुनाव में। 29 सीटें आई थी, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, सरकार नहीं बनने दिए, और फिर जब दोबारा वोटिंग हुई तो वहाँ पर जो है वो 8-9 सीट पर ही दबोच लिए गए थे, लेकिन वो राजनीतिक पहल अलग थी। लेकिन चिराग पासवान जो है इस बार अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं, और सबसे खूबसूरती की बात यह है कि ये नीतीश कुमार को इतने बड़े बड़े बयान दे दिए हैं नीतीश कुमार को कि मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार कभी भी चिराग पासवान को एक्सेप्ट कर पाएंगे। और रामविलास पासवान की ये खूबसूरती थी कि चाहे कभी किसी इस तरीके से बोलते थे कि आगे जो है उस पार्टी में शामिल होने की संभावनाएं जो है वो कहीं ना कहीं बस्ती नजर आए, और आने वाले समय में उस पार्टियों के साथ कभी मिलना भी हो तो उनके साथ हमारा व्यवहार अच्छा हो, इस तरीके से मैनेजमेंट कर चलते थे। लेकिन चिराग पासवान जब अकेले मैदान में कूदे हैं तो नीतीश कुमार को
पता नहीं क्या क्या बोल दिया नीतीश कुमार को लेकर, घोटाले से लेकर सारे मामले की लगातार पोल खोल रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो नीतीश कुमार सलाखों के पीछे होंगे और नीतीश कुमार को जेल में डाल दिया जाएगा। तो चिराग पासवान के इस बयान से तो आप यही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जनता दल यूनाइटेड है वो किसी भी हाल में LJP को स्वीकारने वाले नहीं हो, चाहे इस चुनाव की बात हो चाहे आने वाले समय की चुनाव की बात हो। तो कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि क्या रामविलास पासवान की तरह चिराग पासवान नहीं बन पा रहे हैं, क्या हर पार्टी में अपनी संभावनाएं नहीं बनाकर रख रहे हैं, और चिराग पासवान शायद यही गलती कर बैठे हैं जिसके चलते लगता है कि अब जो है चिराग पासवान किसी भी हाल में रामविलास पासवान नहीं बन सकते हैं। इनका अलग विचारधारा होगा, पार्टी को ले जाने के लिए इनकी अलग सोच होगी, जो युवा छवि है जो युवा सोच है उस तरीके से बिहार को आगे ले जाने की कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का यह कहना है कि अपने पिता की तरह बेटा यानी कि चिराग पासवान नहीं बन सकता है, और इस तरीके से किसी नेता पर डायरेक्ट अटैक करना कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि आने वाले समय में उस पार्टी में आपकी संभावनाएं नहीं बनी रहेगी और वो पार्टी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। तो कहीं ना कहीं यह मिला जुला कल यह कहा गया कि चिराग पासवान शायद मौसम वैज्ञानिक ना बन पाए, उनकी अलग विचारधारा हो, अलग सोच हो, अलग मानसिकता हो, अलग मेंटेलिटी हो, अलग चीजें हो जिसके चलते वो आगे बढ़े, और आने वाले चुनाव में क्या होगा ये तो समय बताएगा, वोटर बताएंगे। लेकिन फिर भी जो चिराग पासवान के जो डिसीजंस हैं वो सराहनीय हैं, लेकिन इस तरीके का बयान देना कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के लोगों को खलता नजर आ रहा है, और जेडीयू के नेता भी लगातार पलटवार कर रहे हैं कि सलाखों के पीछे नीतीश कुमार से पहले कौन होगा ये तो बिहार की जनता ही बताएगी। लेकिन नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच चल रहे मसले और चिराग पासवान के इस प्रकार के बयान और चिराग पासवान का रामविलास पासवान से अलग होकर राजनीति करना क्या संदेश देता है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।